ये काली मासी या कड़कनाथ खाने के बाद आप कह सकते हैं ब्लैक इज़ टेस्टी और साथ ही साथ ब्लैक इज़ एक्सपेंसिव, तो दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, महंगा भी है और स्वादिष्ट भी है। चला जाए दंतेवाड़ा और जाना जाए कड़कनाथ के बारे में। एक पीस कितने का है? एक पीस 20 रुपए का, दे दीजिए। एक गन्ने का गुड़ है। ये क्या दीदी? हाँ बड़ी बड़ी बड़ी, किस चीज़ का बड़ी है? उड़द दाल की बड़ी है। और ये तिखूर, तिखूर जिसका शरबत बनाते हैं, दूध डाल के बनाते हैं ना, कैसे देते हैं ये? 20 रुपए एक कप। और छोटा वाला 10 का दे दीजिए। ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? इसको दारू में दारू कौन दारू? लकड़ी लकड़ी लकड़ियाँ पकाते हैं इसका, इसी का बनता है। और क्या डालते हैं इसमें? शक्कर डालते हैं। हाँ दे दी, छोटा छोटा वाला। इसको पानी में भिगोना है, पानी भी जाना, उसके बाद दूध में और फिर पी सकते हैं, अच्छा रहता है सेहत के लिए। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? टिकूर। ये भी 2 पीस दे दीजिए। पत्ता पत्ता में दीजिए ना, पत्ता में इसमें डालिए। दस रुपए का। इसको क्या बोलते हैं? तिखूर मीठा है, क्या बोलते हैं? तिखूर ही बोलते हैं इसको भी। टमाटर है 10 रुपए का, इतना छोटा टमाटर देखिए। तो ये वाला चिरपोटी टमाटर बहुत खट्टा अच्छा होता है, इसकी चटनी बनाते हैं। ये पूरा का पूरा 10 रुपए का? पूरा 10 का। पत्ता भी इसमें छोड़ो, पत्ता छोड़ो, पत्ता भी डाल दो, पत्ता भी। पत्ता हम तो अच्छा दूसरा बेचेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। यही लोकल यहीं का तंबाकू है? गुजरात का। गुजरात से आता है, क्या बात है। एक पैकेट कितने का देते हैं? 10 रुपए का गुड़ाकू। हाँ क्या बात है। और गुड़ाकू कहाँ से आता है? नागपुर, रायपुर से। तो ये बनाते हैं गुड़ और तंबाकू से। इसको पूरा दांत में रगड़ लेते हैं ना? और कितना देर छोड़ते हैं फिर? वो लोग दिन भर रख के घूमते हैं। बाप रे, ये 10 है, हम नहीं कर सकते, इतना खतरनाक है। म्यूजिक भी है। छापरा छापरा कैसे देते हैं? एक दोना 10 रुपए का। यहाँ पे है लाल चींटी और चींटी के अंडे, इसका जायका हमने लिया था रंजीत जी के साथ। ये यहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स हैं। बेल
मेटल बोलते हैं ये, जैसे ये उठा के देख लीजिए, तोड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ से फूकते हैं तो बजता है, बहुत दम लगता है इसको बजाने में। ₹5 का अदरक, ₹5 का लहसुन दे दीजिए। हम लोग बनाने जा रहे हैं कड़कनाथ। यहाँ से प्याज ले लेते हैं। कैसे दे रहे हैं प्याज? प्याज 20 का है। 10 का दे दीजिए। ये जो वीकली हाट लगता है, इसमें रोज़मर्रे का जो भी सामान होता है वो आपको मिलेगा, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, सब्जियाँ हो, मसाले हो, कपड़े हो, जूते हो, चिकन हो, फिश हो, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये वीकली हाट सिर्फ वीक में एक बार लगता है, जिस मौके पे हम लोगों ये सोमवार को लगता है, यहाँ पे सुबह 11 बजे शुरू होता है, शाम के 5 बजे तक होता है। आप सबसे हम लोग माफ़ी मांगना चाहेंगे, हमने पन्नियों में सामान लिया है, हमें अपना कैरी बैग लेके आना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ला सके, रास्ते में हमें कहीं दिखा नहीं, तो पन्नी में अपना सामान लेके जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं पोल्ट्री फार्म में, जहाँ से हम कड़कनाथ लेंगे और उसको पकाएंगे। उसका थोड़ा सामान हमने ले लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, अदरक लहसुन ले लिया है, और थोड़ा सा मैं अपने घर के लिए गुड़ भी ले जा रहा हूँ, और तिखुर की मिठाई भी, और तिखुर भी। आइए अब चलते हैं। क्या चीज है ये? ये खाते हैं? हाँ खाते हैं, अंदर से मीठा होता है, निकालते हैं। अच्छा मीठा मन ले लेंगे। ये एक ठोक दिखा दे। अच्छा ये जो तेंदू पत्ता, इससे बीड़ी बनती है, है? उसका फल है, फल है, छिलका मत फेंकिएगा। बस्तर का जंगली फल ऐसे कर लग रहा है, चीकू खा रहे हैं, ये स्टाइल है निकालने का। बस्तर का जंगली फल बोलती है। वाह मीठा है, बहुत टेस्टी होता है, ऐसा लग रहा है चीकू खा रहे हैं। ये इमली का बीज निकला हुआ है। हाँ। कैसे किलो मिलता है? सेठ को पूछो ना। अच्छा 80-85 खरीद ले रहे, वो बेचने के लिए दूसरा रेट दे। 80-85 रुपए किलो। हाँ। अब सब लोग अपना लेके आके बेचते हैं घर से, हैं? उसके बाद बाहर जाता है अलग अलग राज्य में। हाँ। आंध्र जा रहा है, बम्बई, दिल्ली। सबसे ज्यादा इमली पूरे इंडिया में जगदलपुर में होता है ना? नहीं होता, नहीं होता है, हर जगह इमली के पेड़ लगे हुए हैं, और लोग अपने बैग्स में इमली लेके आ रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, और ये रेट वेरी करता रहता है, अभी 85 रुपये किलो चल रहा है, हैं बीज निकाल के। अब क्या करने का प्लान है? अब पारी करेंगे कहीं पर, देखते हैं वो जो यहाँ की लोकल लिकर है वो कहाँ मिल रही है। पीछे मिल रही है। चलिए चला जाए। क्या खुशबू आ रही है यहाँ पे, अलग अलग तरह की। लांदा सल्फी, आज आप क्या टेस्ट करने वाले हैं? मेरे को वो टेस्ट करना है जो रह गया था, सुराम रह गया था और लांदा रह गया था, तो देखा जाए। और ये क्या, इस बर्तन को क्या बोलते हैं, इसमें वो दे रहे हैं? तुमा कहते हैं। तुमा जो लौकी का वो होता है बड़ा सा फल, तो ये सुखा के बनाया जाता है। क्या है बाबा? सल्फी है। सल्फी? सुराम कहाँ मिलेगा? सुराम? सुराम नहीं है बाबा, नहीं है सुराम, लाइए। ये पी रहे हैं लांदा, ये बनता है चावल का। हाँ। थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मीठा है तो धूप में खट्टा रहता है। अच्छा धूप में मीठा रहता है, ठंडा में खट्टा। ये कैसे बनाते हैं? और अदा लगता है चावल को। अच्छा उसके बाद क्या डालते हैं? कुछ नहीं डालते।
कुछ नहीं डलता है, सिर्फ चावल है, चावल का थोड़ा सा डालते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किसान टाइप। किसान टाइप एक दिन में तैयार हो जाता है? हाँ, नहीं तो दो दिन में, तो एक दिन। बढ़िया है, एकदम लग रहा है जैसे कि छाछ पी रहे हैं, ऐसा मट्ठा होता है ना मट्ठा, उसके तरह लग रहा है पीने में, बहुत बढ़िया। ये क्या है, महुआ? महुआ है, थोड़ा सा और दीजिए। 10 रुपया? हाँ ले लीजिएगा, एम थोड़ा सा, एम थोड़ा सा, जरा सा। बाबा 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 क्या गुल्फी बोलते हैं? गुल्फी बोलते हैं हल्दी में। गुल्फी? हाँ हिंदी में पेप्सी बोलते हैं। पेप्सी? हाँ हमको याद है, बचपन में लोग पेप्सी बर्फ का होता है, चूस के खाना होता है ना। पेप्सी मिल रहा है, अलग अलग फ्लेवर का होता है। उधर आइसक्रीम है, उधर सॉफ्टी है, ये पेप्सी है। कितने का देते हैं एक? 5, 2 टन 5 है। ये है पेप्सी, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? गुल्फी बोलते हैं। गुल्फी एक ऑरेंज है, गुलाब। मैं संतोष कुमार आर्य ग्राम पंचायत हिराना का निवासी हूँ और हम लोग पशुपालन और कड़कनाथ पालन भी करते हैं, साथ में खेती किसानी का काम भी करते हैं। कड़कनाथ जो है विशेष करके वो काली मुर्गी या काली मासी के नाम से जाना जाता है, उसकी विशेषता के कारण उसे काली मासी कहा जाता है। उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो मांस है वो भी काला होता है और ब्लड भी काला होता है। और सबसे बड़ी बात है कड़कनाथ की पहचान, उसकी जो आँखों की पुतलियाँ होती है वो पूरी तरह से ब्लैक होती है, तो उससे वो पहचाना जा सकता है। और कड़कनाथ जो है विशेष करके प्रोटीन और आयरन की मात्रा जो उसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग मतलब कि जो ज़्यादा डिमांड है इसका विशेष करके, और जो आम मुर्गियाँ जो होती है उसके अपेक्षा इसमें फैट की मात्रा जो वसा है वो कम होता है, तो ये काफ़ी मतलब कारगर है उन लोगों के लिए भी जो जैसे कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं या अन्य प्रकार के जो बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जिनको कि सामान्य मुर्गी खाने के लिए मना किया जा सकता है, इसको खा सकते हैं, मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इसकी एक खासियत है और इसलिए इसकी अच्छी डिमांड है। अभी यहाँ पर मतलब जो इधर की जो बोली में है उसको यहाँ पर वो करिया कुकड़ी बोलते हैं, करिया मतलब काला, कुकड़ी मतलब मुर्गी, तो इससे मतलब जो बोलचाल की भाषा में हमारी तरफ जो क्षेत्रीय बोली उसके हिसाब से तो काला मुर्गी मतलब कहते हैं, और काली मांसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके मांस का रंग काला होता है, तो कई जगह इसको काली मांसी के नाम से जानते हैं। और जैसे इसको अंग्रेजी में कई लोग वो ब्लैक चिकन के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक चिकन कहा जाता है, तो इस प्रकार से इस नाम है। तो कई बार अपने अपने क्षेत्रीय क्षेत्र के हिसाब से इसका नामकरण किया गया। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक होता है गोल्डन ब्लैक, एक होता है जेड ब्लैक और एक होता है पेंसिल ब्लैक। गोल्डन ब्लैक के जो मुर्गा होते हैं मुर्गा में विशेष करके, तो उसके जो ऊपर के जो रवे वाले होते हैं उसमें थोड़े से सुनहरे रंग का स्वर्णिम रंग के वो रवे आ जाते हैं, वो कहलाता है गोल्डन ब्लैक, जो सुनहरे गोल्डन टाइप के एक रवे आते हैं। और एक होता है जेड ब्लैक, जेड ब्लैक मतलब पूरी तरह से उसके जो है रवे जो है ऊपर वो काले होते हैं, वो कहलाता है जेड ब्लैक। और एक होता है तीसरा पेंसिल ब्लैक, पेंसिल ब्लैक में जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट वाला जो भाग होता है उस तरह से हल्का सा उसमें चमक सा रहता है, इसीलिए उसको पेंसिल ब्लैक के नाम से जानते हैं। शुरुआत हुआ था इसका कड़कनाथ का तो 2017 में हुआ था, नवंबर के लगभग KVK ने प्रारंभ किया था जो लाइन से जो बने हुए सेट में, तो वहाँ हम लोग मतलब एक डिसाइड किए थे उन्हीं से पूछ करके कि इसका क्या रेट रखा जाए, तो 800 रुपये उस समय बेचते थे मुर्गा और 700 रुपये मुर्गी। फिर धीरे धीरे उसके बाद उसको हम लोगों ने कम किया है, फिर 700 और 600 रखा, तो एक आय का अच्छा जरिया है मतलब गाँव में जो किसान है उसके लिए, क्योंकि ये मुर्गी जो है वो वास्तव में फ़ायदेमंद है, इसलिए लोग इसको खरीदते और ले जाते हैं ज़्यादा करके। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से मुर्गियाँ और अंडे
अपने कर्नाटक है, केरला है, इधर पंजाब वंजाब पूरे तरफ जा चुके हैं। वो काफ़ी तारीफ भी करते हैं लोग, तो उसके पालने के तरीके पूछते हैं कि कैसा पाला जाए, इसके पालने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, ये सब चीज़ वो पूछते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि इस तरह से पाला जाता है। हमको यहाँ पर जिला प्रशासन की मदद से ये जो है योजना, विशेष करके जो स्व सहायता समूह है उसके लिए ये चालू किया गया था। माननीय जो पूर्व यहाँ पर कलेक्टर थे सौरभ कुमार सर, जो उनके समय में योजना प्रारंभ हुई थी। तो कपाल बाजार में गए थे? हाँ, मैं भी गया था। अच्छा, वहाँ से प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब लेके आए? बिल्कुल गया। ये इसके साथ कड़कनाथ बना दीजिए। कड़कनाथ बनाना? हाँ, और साबुत लहसुन भी डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सर। इसको लहसुन चिल्ला रहेगा और मिर्च कम रखिएगा और एकदम टेस्टी बनाइएगा, जबरदस्त। ठीक नहीं लगे सर, पैसा ले लूंगा। ठीक है हाँ। हम लोग का चिकन गर्म पानी में धुलवा दिए, अच्छा से धुला दिए, पानी गर्म कर दिया। क्या बात है, सब एकदम फास्ट फास्ट चल रहा है। बड़ा सुंदर ढाबा है आपका, एकदम लकड़ी का चूल्हा जल रहा है, कढ़ाई पे अपना मुर्गा पक रहा है। ये आ गया कड़कनाथ है, इसको हमने अच्छे से गर्म पानी में धुलवा लिया है और इसको ही ब्लैक चिकन कहा जाता है, इसको सुपर चिकन भी कहते हैं, इसको काली मासी भी कहते हैं और इसका सब कुछ ब्लैक होता है, है? तो ये तैयार हो गया हमारा कड़कनाथ के अंडे की भुज्जी है, इसको हम खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ। लाइए सर। आइए टेस्ट किया जाए। हाँ टेस्ट किया जाए। इन्होंने बनाया बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। हाँ वैसे देखा जाए थोड़ा टेस्ट, मतलब फ्लेवर जो है जो हम लोग बॉले वाले अंडे खाते हैं उससे हल्का स्ट्रॉन्ग है, हैं हल्का सा मैम, जो कहते हैं ना हर सा कुरकुरा कुरकुरापन भी है इसमें। हमने बोल दिया था अच्छे से मार देना। हाँ तेल, प्याज, प्याज, अदरक, लहसुन डाल दिए और साबुत लहसुन भी डालिएगा जो लाए हैं। तो लाए सर, उसको डालूंगा। डालेंगे डालेंगे सर, बिल्कुल आप तो हाँ डाल देंगे। और टमाटर भी वाला है जो डलेगा सर, तो सब डलेगा। हाँ सब डलेगा। पहले चिकन को भून लेंगे, पहले पहले भून लेंगे सर, उसका प्याज जो है लाल हो जाता है, सब भून लेंगे तो मजा आता है। नहीं नहीं प्याज लाल नहीं होगा ना, लाल नहीं दिखेगा, ठीक नहीं लगता है। अच्छा नहीं, बढ़िया से बनाइए। ये गया टमाटर। ये क्या है? गरम मसाला। गरम मसाला गया, हल्दी है, हल्दी गया, धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, गरम मसाला है। एकदम ढाबा स्टाइल कड़कनाथ चिकन बन रहा है, ब्लैक चिकन। अब खूब सारे मसाले इन्होंने डाल दिए हैं इसमें। हालांकि ट्रैवल क्विजीन में इतने मसालों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब ढाबा पे खाना खाने आप आएँ तो मसाला अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? जी सर। ये गया पानी चिकन में, अब ये पकता रहेगा। पकता रहेगा सर। है लेग पीस बिल्कुल मसालों में लिपटा हुआ, देखिए इस चिकन की हड्डी फ्लैश दोनों ही काले हैं और बहुत ही उम्दा बनाया है इन्होंने। हालांकि काफ़ी मसालों का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी समय लगा इसको पकाने में, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और इनफैक्ट पता नहीं, लोग बोलते हैं कि इसका टेक्सचर काफ़ी रोटी और चावल लगाई और
गेमी होता है, लेकिन मुझे तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही टेंडर लगा, है कि नहीं, सॉफ्ट है। और बस हाँ, इस चिकन के अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है, इसलिए ये काफ़ी डिमांड में रहती है और इतनी महंगी भी बिकती है। और बहुत लोग इसको ये कहते हैं कि जैसा जैसे चिकन डोमेस्टिकेटेड नहीं होता था तो उससे पहले वो चिकन टेस्ट करता था, वही सेम टेस्ट अभी इसी में आता है। और जैसे अगर आप शौकीन हैं फ्री रेंज चिकन खाने का तो आप इसका टेस्ट बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। डिश की ओरिजिन है झबुआ में, मध्य प्रदेश, और इनफैक्ट इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग भी मिला हुआ है। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में भी आपको कई फार्म्स मिलेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, साउथ इंडिया में भी कई जगहों पे इसकी आपको फार्म्स देखने को मिलेंगे। और इतने डिमांड में है, ये अच्छी खासी जो इनकी अर्निंग होती है जो फार्मिंग करते हैं। ये काली मासी या कड़कनाथ खाने के बाद आप कह सकते हैं ब्लैक इज़ टेस्टी और साथ ही साथ ब्लैक इज़ एक्सपेंसिव, तो दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, महंगा भी है और स्वादिष्ट भी है।